नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर लक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी कब है। उत्पन्ना एकादशी पर करें ये 7 आसान उपाय, संतान धन और सुख की होगी प्राप्ति। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का काफी ज्यादा महत्व है। हर साल 24 एकादशी पड़ती है, वही हर महीने 2 एकादशी का अपना ही महत्व है। मार्गशीर्ष माह की एकादशी का भी खास महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत जो भी रखता है और पूजा करता है तो अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस बार कब है उत्पन्ना एकादशी। हर साल की तरह इस बार यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसम्बर 2023 सुबह 5:06 से, जिसका समापन 6 दिसम्बर 2023 6:31 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। इसका पारण 9 दिसंबर 2023 दोपहर 1:37 से 3:49 तक का किया जाएगा। अब इसके साथ जानते हैं दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के खास उपाय। नंबर 1, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग संतानहीन है वे पति पत्नी साथ में व्रत और पूजा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 2, उत्पन्ना एकादशी पर आप पूजा के समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, जिससे आपके धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, एकादशी के दिन व्रत और पूजा के बाद रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। नंबर 4, उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय आप भगवान विष्णु के ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 5, एकादशी पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। नंबर 6, उत्पन्ना एकादशी की पूजा के समय आप इस व्रत कथा का पाठ करें या श्रवण करें, इससे आपको लाभ होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। नंबर 7, उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण से पूर्व या पूजा के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को पीले वस्त्र, विष्णु चालीसा, केला, पीली मिठाई, घी आदि का दान करें। भोजन कराने के बाद दक्षिणा देकर विदा करें, इससे आपको व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।